एक देज की मेन घी ले, दो आधा प्याज को बारीकी से कट ले। प्याज को तीबीटी के देज की में हिलते रहे जब तक वो सुर्ख रंग का नहीं हो जाता। दो ग्लास चावल एक पतेले में भिगो के रख दे। चावल को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ दे जेबी तक। अब प्याज को सुर्ख होने के लिए हल्की अंच पे पकाए। अब दो आधा हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और 3 टमाटर कट ले। अदरक और लहसुन का पास्ट बनाए। अब आपके प्याज सुर्ख रंग के हो चुके हैं। अदरक और लहसुन का पास्ते मिक्स करें, साथ ही टमाटोस मिक्स कर ले। हस्ब इजय का नमक डलें, थोड़ा पानी मिले, 2 चम्मच लाल मिर्च मिलें, 1 चम्मच हल्दी मिलें, 1 आधा लौंग और SB को मिक्स कर दे। साथ हा नेशनल का पुलाव मसाला मिला KR सब को मिक्स कर दे। अब जो आप अपन भिगो के रखे थे उन्हें डेग चीम डेल और मिक्स कर दे। अब 3 ग्लास पानी के डल दे और उबालने तक इंतजार करें। जैसे हा पानी उबालना शुरू हो जाए तो अंच हल्की कर दे। अब भेगे हुए चावलों को उबालती हुई देगची में दे ले और मिक्स करे और फिर कुछ देर तक कुछ देर तक इंतजार करें जब तक पानी सूख नहीं जाए। अब हल्की अंच पर चावलों को दम दे। थोड़ा सा धनिया का छिड़काव कर ले खुशबू के लिए। आखिर में आपका लजीज चना पुलाव तैयार है। अब आप इस तरीके को अपने घर में आजमाएं।